हेलो हेलो विक्रम, हेलो विक्रम, हे विक्रम। आजकल तो जब हम अपने दोस्त विक्रम को भी आवाज दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि विक्रम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जी हाँ, भारत का मिशन चंद्रयान 2 भले ही सफलता के चांद पर नहीं उतर पाया हो, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष इतिहास में हार में ही जीत छुपी होती है और ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं। अमेरिका और रूस जैसे दिग्गज देश भी कई बार असफल होने के बाद भी चांद को छूने में कामयाब रहे थे। भारत का चंद्रयान 2 मिशन चांद की सतह पर लैंड करने के ठीक पहले रास्ता भटक गया। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो ने अपने प्रोग्राम से अंतरिक्ष अभियान में अपनी पहचान और पुख्ता कर ली। ऐसा नहीं है कि भारत ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से चूका हो। अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी अपने चांद अभियानों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शुरुआत में तो चांद पर पहुंचने की सफलता की जो दर थी वो बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी बदलती चली गई वैसे वैसे थोड़े बदलाव होते गए और सफलता मिलती चली गई। अमेरिका अपने कुल चांद मिशन में 26 बार असफल रहा है, फेल रहा है, जबकि रूस 14 बार अपने काम में नाकाम हुआ था। चांद की सतह पर की गई सॉफ्ट लैंडिंग की असफल कोशिश एक छोटा सा झटका माना जा रहा है। इस झटके से मिली सीख के बाद इसरो को अपने भविष्य के मिशनों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह असफल नहीं रहा। इसका ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में घूम रहा है और इस मिशन से जो असफलता हुई है उससे जो सीख मिली है वो भविष्य में इसरो के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। 1950 के दशक में शुरू हुई चांद को छूने की तमन्ना। चांद को छूने की तमन्ना की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ, जो कि अब रूस के नाम से जाना जाता है, जी हां रूस एक देश है, इन्होंने इस दशक में 14 मिशन चांद पर भेजे थे। अमेरिका ने कुल 7 मिशन चांद पर भेजे, लेकिन उसे सफलता मिली सिर्फ एक मिशन में। उधर रूस ने कुल 4 मिशन चांद पर भेजे, जिसमें से 3 कामयाब रहे। अमेरिका और रूस का पहला मिशन रहा था फेल। अमेरिका ने अगस्त 1958 में अपने पहले मून मिशन पायनियर के जरिए चांद की जानकारी जुटाने की कोशिश की। हालांकि लॉन्चिंग के फेज के दौरान ही ये मिशन असफल हो गया। सोवियत संघ ने इसके ठीक एक महीने बाद सितंबर 1958 में मानव रहित लूना मिशन शुरू किया। इस मिशन के जरिए सोवियत संघ चांद की सतह के बारे में जानकारी जुटाना चाहता था। हालांकि ये मिशन भी लॉन्चिंग के दौरान ही फेल हो गया। रूस के 3 मिशन रहे फेल। पहली असफलता से सीख लेते हुए रूस ने 1959 में जनवरी से अक्टूबर तक 3 चांद मिशन लॉन्च किए और उसे करीब करीब सभी में सफलता मिली। जनवरी 1959 में रूस ने लूना 1 मिशन को चांद पर भेजा। हालांकि उड़ान पथ के आकलन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और ये चांद से आगे निकल गया, लेकिन ये पहला मिशन था जो चांद के करीब पहुंचा। इसके बाद सितंबर 1959 में रूस ने लूना 2 मिशन लॉन्च किया। ये पहला स्पेसक्राफ्ट रहा जिसने चांद की सतह की पहचान की। इसके अगले महीने अक्टूबर 1959 में लूना 3 के जरिए रूस पहली बार चांद की सतह की तस्वीर लेने में सफल रहा। 60 के दशक में अमेरिका और रूस में होड़ मच गई। 1950 के दशक में सोवियत रूस से पिछड़ने के बाद 1960 के दशक में अमेरिका और रूस में चांद पर मिशन भेजने की होड़ लग गई। दोनों देशों ने इस दशक में कुल 55 मिशन चांद की तरफ रवाना किए, जिनमें 28 में सफलता हाथ लगी। इस दशक में अमेरिका ने अकेले 36 मिशन चांद की तरफ भेजे और उसे 17 में सफलता मिली। रूस ने इस दौरान 19 मिशन चांद पर भेजे और उसे 11 में सफलता मिली और केवल 11 में वो सफल हो पाया। लूना 9 के जरिए पहली सॉफ्ट लैंडिंग। जी हां, सोवियत रूस ने जनवरी 1966 में लूना 9 के जरिए पहली बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने में सफलता पाई। इस मिशन ने चांद की सतह की तस्वीरें भेजी। मार्च 1966 में रूस ने लूना 10 के जरिए ऑर्बिटर भेजने में सफलता पाई। सितंबर 1968 में रूस ने जॉन 5 के रूप में पहला स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में भेजा, जो सफलतापूर्वक धरती पर लौटने में कामयाब भी रहा। इस मिशन में चांद पर पशुओं को भी भेजा गया था। इसमें 2 कछुए, फ्रूट फ्लाई एग, मच्छरों के अंडे और पौधे भेजे गए थे। इसके बाद नवंबर 1968 में जॉन 6 मिशन धरती पर लौटते वक्त क्रैश हो गया। फरवरी 1969 में रूस ने पहली बार मून रोवर को भेजने की कोशिश की, लेकिन ये चांद की कक्षा में पहुंचने में असफल रहा और नष्ट हो गया। अमेरिका ने भी चांद पर गाड़े झंडे। शुरुआत में रूस से पिछड़ने के बाद अमेरिका ने दिसंबर 1968 में मानव अभियान अपोलो 8 को चांद पर भेजने में कामयाबी पाई। ये मिशन सफलतापूर्वक धरती पर लौटा भी। अमेरिका ने इसके बाद जुलाई 1969 में एक बार फिर मानव अभियान के साथ अपोलो 11 को चांद पर भेजा और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले शख्स बने।
नील के अलावा बज एल्ड्रिन समेत 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर चहलकदमी की थी। 70 के मिशन में हुए थे कुल 21 मिशन। 1970 के दशक में भी अमेरिका और सोवियत रूस में चांद पर अपना वर्चस्व कायम करने की जद्दोजहद लगी रही। इस दशक में दोनों देशों ने कुल 21 मिशन चांद पर भेजे। इस बार मिशन की सफलता दर बेहतरीन रही। अमेरिका ने कुल 8 मिशन चांद पर भेजे, जिनमें उसे केवल एक मिशन में ही असफलता हाथ लगी। इस दौरान रूस ने कुल 11 मिशन चांद की तरफ रवाना किए, जिनमें से 2 में असफलता हाथ लगी। लूना 16 चांद की मिट्टी धरती पर लाया। जी हाँ, सितंबर 1970 में सोवियत रूस ने लूना 16 के साथ रोबोट को चांद की सतह पर भेजा और तीसरी बार चांद की मिट्टी को धरती पर लाने में कामयाब रहा। 1970 में अमेरिका का मानव अभियान अपोलो 13 मिशन तकनीकी खामी के कारण सफल नहीं हो सका। दिसंबर 1972 में अमेरिका ने अपोलो 17 के जरिए मानव अभियान को चांद पर भेजने में सफलता पाई। 1980 के दशक में कोई चांद मिशन नहीं हुआ। 90 का दशक अमेरिका और रूस के वर्चस्व को जापान ने दी चुनौती। 1990 के दशक में चांद के लिए 13 मिशन लॉन्च किए गए। इस दशक में भी रूस ने कोई मिशन चांद पर नहीं भेजा। खास बात ये रही कि ये तीनों मिशन सफल रहे थे। 2 मिशन अमेरिका ने भी भेजे थे, जबकि एक मिशन जापान ने भेजा था। जनवरी 1990 में अमेरिका और रूस के अलावा जापान चांद पर मिशन भेजने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। हितेन मिशन से जापान चांद की जानकारी जुटाना चाहता था, हालांकि बाद में इसके ऑर्बिटर से संपर्क टूट गया। बावजूद इसके अंतरिक्ष में जापान की ये बड़ी उपलब्धि थी। 2000 के दशक में मून मिशन क्लब में भारत की एंट्री हुई। 2000 के दशक में कुल 6 मिशन चांद पर भेजे गए थे। खास बात ये रही कि इस दशक में भारत भी इस विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया। अमेरिका के अलावा यूरोप, चीन, जापान और भारत ने चांद पर अपने मिशन भेजे। सितंबर 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्मार्ट 2 को चांद पर भेजने में सफलता पाई। चीन ने अक्टूबर 2007 में चांग ई 1 भविष्य के मिशन के लिए तकनीकी परीक्षण करने के लिए ये अभियान अंतरिक्ष में भेजा था, जिसमें उसे सफलता मिली। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग। भारत ने अक्टूबर 2008 में सुदूर अंतरिक्ष में अपने पहले मिशन को रवाना किया था। इस मिशन के जरिए ही दुनिया को चांद पर पानी की जानकारी मिल सकी थी। सितंबर 2007 में जापान ने सीलेन को चांद पर भेजने में सफलता पाई। इस मिशन के जरिए चांद की सतह की जानकारी जुटाने में सफल रहा है। जून 2009 में 10 साल बाद अमेरिका ने ऑर्बिटर को चांद पर भेजा। अमेरिका के इस मिशन का मकसद चांद की कक्षा में चंद्रमा की सतह का 3D मैप तैयार करना था। 2010 के दशक में 11 चांद मिशन हुए। 2010 के दशक में कुल 11 मिशन चांद के लिए रवाना किए गए। इस दौरान चीन ने कुल 6 सफल मिशन भेजे, जबकि अमेरिका ने 3, भारत ने 1 और इजराइल ने 1 मिशन चांद पर भेजा। इसमें इजराइल का मिशन असफल रहा। इजराइल ने फरवरी 2019 में बेरेशीट मिशन को लॉन्च किया था। एक निजी कंपनी द्वारा लॉन्च ये मिशन अप्रैल 2019 में लैंडिंग के दौरान असफल हो गया। दिसंबर 2013 में चीन का चेंग ई 3 मिशन चांद की सतह पर उतारा। इस मिशन में रोवर यूटू चांद की सतह पर उतरा था। चांद पर रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंड कराने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश बन गया। दिसंबर 2018 में चीन ने चेंग ई 4 मिशन को चांद के दूसरी तरफ लैंड कराने में सफलता पाई। चंद्रयान 2 मिशन। भारत ने जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को चांद पर रवाना किया। 7 सितंबर को इस मिशन के चांद की सतह से उतरने से केवल 2 किलोमीटर दूर इसके लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। हालांकि इस मिशन का ऑर्बिटर अभी चांद की कक्षा में मौजूद है। हालांकि लैंडर से संपर्क जरूर टूट गया, लेकिन मिशन 95% सफल रहा। इसरो की सफलता दर बेहतरीन। 1975 में अपने पहले मिशन से लेकर इसरो ने अब तक कुल 115 मिशन को अंजाम दिया है। इन मिशनों में सैटेलाइट लॉन्चिंग से लेकर मून मिशन तक शामिल हैं। इस दौरान केवल 11 मिशन ही असफल रहे हैं। इनमें 8 मिशन लॉन्चिंग के दौरान ही असफल हुए, जबकि 3 अंतरिक्ष में असफल रहे।